हेलो गाइस, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। तो वहाँ पे कुछ 10-15 मिनट्स का जाम हुआ था ट्रैफिक, तो वो क्लियर होने तक देन आई थॉट कि लेट्स बिगिन विद अ न्यू ब्लॉग। तो दिस ब्लॉग स्टार्टेड ऑन 3rd मार्च, दैट वाज संडे, एंड हम लोग का कुछ 2 आवर्स का काम था तो वो हम लोग ने कर लिया बाहर जाके। देन वी वेंट टू ओबेरॉय मॉल। तो वैलेंटाइंस के टाइम पे टीसो का वॉच लिया था हम लोग ने, तो वहाँ पे कुछ उस पर कुछ इशू आया था तो वही दिखाने के लिए हम लोग टीसो शॉप गए थे। देन ये 12:30 1 o'clock का ये क्लिप है, तो आप देख सकते हो कि कितना शांति था और बहुत अच्छा लग रहा था। देन वी वेंट टू आर मोस्ट फेवरेट रेस्टोरेंट, एशियन किचन। तो ये हम लोग की फेवरेट कॉर्नर टेबल है, हमें बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। तो फिर दिस वाज आर ओन टाइम। फिर हम लोग ने मस्त लंच किया, टाइम स्पेंड किया, फिर हम लोग वी लेफ्ट फॉर आर हाउस। तो फिर रिश्ना भी मस्त घर पे मज़े कर रही थी, लंच किया उसने और घर पे भी वो दीदी रील्स बना रहे थे बच्चों के। फिर हमारे भी सोसाइटी में इवनिंग में पूजा थी, तो मैंने सोचा था कि मैं कुछ इवनिंग में मस्त गेटअप करूँगी, कुछ ड्रेस या साड़ी जो मेरे पास थी न्यू, बट मैं इतनी थक गई थी। हम लोग कुछ 3:30 को घर पे आए तो थक गए थे, तो फिर थोड़ा 1-2 आवर्स रेस्ट किया, रेस्ट इन द सेंस कि मोबाइल पे ही थे हम लोग। फिर ये सोसाइटी का मैंने थोड़ा कैप्चर किया है कि हमारे सोसाइटी में पूजा थी, तो विनोद ने मस्त कुर्ता विरता मस्त रेडी थे, बट मैंने चेंज नहीं किया, मैंने जो पहना था वही मैंने वेयर कर लिया। ये रही पीयू, दीदी थी, मैंने जितना ट्राई हुआ मैंने उतना पूरा कैप्चर कर लिया। तो ये हल्दी कुमकुम, और ये सारे सोसाइटी के लेडीज़ एक दूसरे के साथ मिल रहे थे, हंसी मजाक, सोशलाइजिंग, क्योंकि 1 ईयर में उतना ही टाइम मिलता है हर एक को मिलने का, होली में कुछ ओकेजन होगा। तो ये जो वीडियो ले रहा है वो मेरी सिस्टर की डॉटर पीहू, तो ये कैप्चर कर रही है, उसको बोलने की ज़रूरत भी नहीं होती, वो हमेशा रेडी होती है कि राइट्स मैं रिकॉर्ड करती हूँ। तो उसने, तो मैंने, विनोद ने और रिशना ने पूजा की, तो आप देख सकते हो रिशना वॉज सो मच एक्साइटेड टू डू पूजा, उसको बहुत पसंद है ये सब करने को और उसको फैसिनेट करता है। तो ये हम लोग ने पूजा की तो रिशना बहुत खुश थी, वो उंदीर मामा, साई बाबा, वो गणपति को देख के तो बहुत अच्छे से पूजा हो गई। फिर हम लोग ने डिनर किया, फिर उसके पहले तो हम लोग ने बहुत चिट चैट की, जो सोसाइटी में मेरे भी फ्रेंड्स है जो आंटी लोग हैं वो पूछते हैं कि कैसे चल रहा है क्या सब कुछ, तो फिर वही उसमें टाइम पास हुआ। फिर हम लोग ने डिनर किया 9:30-10 o'clock तक। फिर डिनर करने के बाद डांस थे बच्चों के, तो हम लोग नहीं रुके क्योंकि हम लोग बहुत थक गए थे। देन वी लेफ्ट फॉर आर ओन हाउस। तो ये पीयू यशु पूजा कर रहे हैं, उनका भी रिकॉर्ड कर लिया मैंने वो भी एक्साइटेड थे कि हम लोग भी तेरे ब्लॉग में आएंगे, तो मैंने बोला ठीक है। तो फिर कुछ नहीं, डिनर कर लिया, देन फिर हम लोग घर पे गए क्योंकि नेक्स्ट डे ऑब्वियसली मंडे था तो ऑफिस रहता है, और रिशना का भी स्कूल। तो फिर बट वहाँ पे सब लोग ने 2:30 AM तक बहुत इन्जॉय किया, नेक्स्ट डे सब बताया घर पे। तो पीयू यशु ने भी डांस किया, तो सब बच्चों ने डांस किया और फिर ऐसे टाइम स्पेंड किया। तो बैक साइड में हमारे पूरा डिनर का सेटअप किया है क्योंकि पीछे गार्डन और उसमें बहुत स्पेस है, तो वहाँ पे पूरा डिनर का सेटअप किया है। तो पूरे 2 बिल्डिंग में पूरा डेकोरेट किया था। तो दिस इज़ हाउ वी सेलिब्रेट पूजा इन आर ओन सोसाइटी, और बहुत एक्साइटमेंट और बहुत अच्छा लगता है। तो बस यही, बच्चों ने, मुझे पता भी नहीं था ये पीयू ने कब, मेरा मोबाइल तो उसके पास ही था तो उसने कब इतना सब कुछ कैप्चर किया, बट थैंक गॉड उसने किया तो मैं दिखा पा रही हूँ कि क्या क्या किया। तो फिर अदरवाइज़ ये बहुत दिनों के बाद मिलते हैं तो फिर हाय हेलो होता ही है। तो ये हम लोग कुछ तो बातचीत कर रहे थे, आई गेस कुछ रील्स देख रहे थे या कुछ, हम लोग हंसी मजाक चल रहा था। तो ऐसे हम लोग ने संडे स्पेंड किया, और मैंने सैटरडे का भी ब्लॉग डाला है कि हम लोग ने कैसे और क्या स्पेंड किया। मतलब देर आर सम पीपल हु आर वॉचिंग माई फुल ब्लॉग,
बट स्टिल लाइक नहीं करते एंड ऑल्सो नॉट सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, तो हु आर दे, कौन है ऐसे कि जिनको पूरा पूरा देखना भी है कि क्या क्या हो रहा है बट सब्सक्राइब भी नहीं करती, इतनी क्या प्रॉब्लम और जलन है। बट गाइज, इफ़ यू आर रियली लाइकिंग माई ब्लॉग देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो सी यू सून विद द न्यू ब्लॉग, बाय।